हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम जीएसटी टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं विद इंटरेस्ट, यानी कि हमने एक फिक्स डेट के बाद में अगर जीएसटी टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ता है। दोस्तों, हमने हमारी कंपनी का जो आउटपुट हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स या फिर आईजीएसटी के रूप में जो भी टैक्स बनता है, हमने टैक्स डिपॉजिट करवा दिया और साथ में इंटरेस्ट भी हमने डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन चलान को हमें ऑनलाइन भरने के बाद जो चलान हमारे पास आएगा तो उसकी एंट्री हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट पे किया है सीजीएसटी टैक्स, एसजीएसटी टैक्स और आईजीएसटी टैक्स, उसकी बेसिक एंट्री हमेशा की तरह हम करते हैं वैसे एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट को हम काम पर एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट का लेजर हम किस तरीके से बनाएंगे और उस इंटरेस्ट का ग्रुप सिलेक्शन क्या होगा, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या आप अपनी बिजनेस की खुद की अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर करते हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देखते हैं भी हमारी टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो लायबिलिटी है वो कितनी बनती है। तो दोस्तों, टैक्स की लायबिलिटी देखने के लिए हमें बैलेंस शीट पर जाना होता है और उसके बाद एल्ट F1 हम प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देख रहे हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो हमारे पास सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। जो हमारी टैक्स है 702 रुपये और 27 पैसे, 702 रुपये और 27 पैसे। तो दोस्तों, ये तो है हमारी मेन अमाउंट जितना हमारा आउटपुट टैक्स बनता है। अब मान लीजिए हमने इस टैक्स को एक मंथ बाद डिपॉजिट कराया, आप एक मंथ भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, जितने दिन आपने लेट टैक्स आपने जमा कराया उतने ही दिनों की आपके ऊपर इंटरेस्ट है जो चार्ज होगा। अब मान लीजिए हमने इसको एक मंथ के बाद में डिपॉजिट करवाया है तो सबसे पहले हमें इसकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए जितनी आपकी बेसिक अमाउंट है, जैसा कि हमारे पास 702 रुपये और 27 पैसे, कि हम इसको राउंड फिगर में 703 रुपये मान लेंगे, तो जैसा कि हमारे पास 703 रुपये और इंटरेस्ट रेट है वो 18% यानी कि 18% का है, तो इनटू 18% अगर हम करेंगे तो ये पूरे साल का टैक्स आ जाएगा और हमें एक मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाई 12, तो यानी कि 10 रुपये और 54 पैसे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 11 रुपये एक साइड का, तो टोटल टैक्स हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 22 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब इसका जो हम चलान जो ऑनलाइन हम जमा कराते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट आता है, तो टैक्स की अमाउंट में हम 703 रुपये डालेंगे और इसके बाद में 11 रुपये इस इंटरेस्ट के वाले कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी तरीके से सीजीएसटी के टैक्स में भी 703 रुपये और इंटरेस्ट में भी 11 रुपये। तो इस तरीके से जो टोटल हमारे पास जो चलान हमारा बनेगा वो 1428 रुपये बनेगा, जबकि हमारे जो एक्चुअल में जो टैक्स की अमाउंट है वो 1406 रुपये की बन रही है और बाकी का हमारे पास इंटरेस्ट है जो हम पे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम इस तरीके से फॉर्मेट में डाल के और ऑनलाइन हम जो जीएसटी हमारा चलान है वो डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन उसके बाद बारी आती है उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए वापस वाउचर पर हम जाएंगे और जिस दिन भी आपने उस चलान को डिपॉजिट कराया वो चलान की डेट हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स इसको हम डेबिट करेंगे 703 रुपये से, उसके बाद में एसजीएसटी टैक्स को भी हम डेबिट करेंगे 703 रुपये से और उसके बाद इंटरेस्ट भी हमने पे किया है तो ये इंटरेस्ट का लेज़र हम एक अलग से क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अभी ये जो इंटरेस्ट है ये वो इंटरेस्ट नहीं है जो हम रूटीन में बैंक चार्जेस के रूप में बैंक में देते हैं या किसी इंटरेस्ट के रूप में हमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है जो हमने लेज़र क्रिएट करा है उसके इंटरेस्ट के हेड में हमें इसको वापस डेबिट नहीं करना। हमें एक लेज़र अलग से क्रिएट कर लेंगे भी इंटरेस्ट ऑन लेट जीएसटी डिपॉजिट, ताकि हमें पता लगे भी ये हमने जो इंटरेस्ट पे किया है ये कोई हमने बैंक का पैसा यूज़ नहीं किया जबकि गवर्नमेंट का पैसा हमने लेट डिपॉजिट करवाया है, तो ये हमें
पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लेट जीएसटी डिपॉजिट, यानी कि इस तरीके का आप अलग लेजर क्रिएट कर सकते हो। और इसका जो ग्रुप है, अब काफ़ी सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट है इसको समझेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारी कंपनी का एक तरीके का खर्चा आ चुका है। तो दोस्तों ये खर्चा आपने गवर्नमेंट की टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनती थी उसको लेट जमा कराने में आपका जो है टैक्स है जो इंटरेस्ट है जो लगा है, तो इसको आपको कैपिटल अकाउंट यानी कि आप आपकी जो कैपिटल है उसी में से ही आपको कम करना है, न कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड में आप इसको लेके जाओगे। यानी कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है जो बिल्कुल भी नहीं है, और इसको हम इंटरनेट प्रेस करें और जो हमारे पास जो जितना हमारा इंटरेस्ट बना था 22 रुपये का वो हम इसको करेंगे डेबिट। तो आप देख रहे हो जो हमारा चलान की जो अमाउंट है वो 1428 ही थी, तो 1428 रुपये से हमने इसको डेबिट कर दिया। और उसके बाद में जिस बैंक से हमने ये टैक्स है जो डिपॉजिट करवाया उस बैंक को हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। और उसके बाद में ये जो बैंक एलोकेशन की जो डिटेल आती है इसमें हम सब कुछ यहाँ पर नरेशन इसका लिख सकते हैं, बी जीएसटी टैक्स डिपॉजिट विद इंटरेस्ट मंथ ऑफ, जिस मंथ का भी आपने टैक्स डिपॉजिट करवाया तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ में साथ ये सेम डिटेल हम इस नरेशन में भी लिख सकते हैं, बी जीएसटी टैक्स डिपॉजिट मंथ ऑफ जो इस मंथ का भी है, और साथ में लिखेंगे विद इंटरेस्ट और इंटरप्रेस करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो अब इसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट में, और जैसे हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो अब आप देख रहे हो जो हमारा टैक्स की अभी जो लाइबिलिटीज जो बन रही थी वो अब माइनस में आ चुकी है 1 रुपये और 46 पैसा। इंटरप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो ये 0.73 सी जी एस टी टैक्स और एच जी टैक्स अब डेबिट हो चुका है, और उसके बाद में जो इंटरेस्ट हमने पे किया था वो इंटरेस्ट अब आपका ये इस कैपिटल अकाउंट के हेड में आ जाएगा, और आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा 22 रुपये का। तो इसका इफेक्ट आप यहीं से देख रख रहे हो कि 1,00,000 रुपये आपकी कैपिटल थी, उसके बाद इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है 7,110 रुपये का, और उसमें ये माइनस के निशान के साथ आपको ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो शो हो रही है -22 रुपये। तो ये नेट इफेक्ट आपका जो नेट कैपिटल है वो 1,07,088 पैसे की रह जाएगी। तो यानी कि हमें इस टाइप के इंटरेस्ट को अगर आपकी गवर्नमेंट की किसी भी टाइप के टैक्स के, चाहे आपका वो TDS हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका GST का टैक्स हो, यानी कि गवर्नमेंट के टैक्स से संबंधित कोई भी अगर हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो हम पे कर रहे हैं तो वो हमें हमारा कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट करना पड़ेगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देकर जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।